टी20 महिला एशिया कप खिताब जीतने के साथ ही भारत की तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने इतिहास रच दिया है। झूलन टी20 में भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेटों का अर्धशतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इसके साथ ही वह विश्व की 8वीं खिलाड़ी बन गई हैं। मध्य गति की इस तेज गेंदबाज ने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ बैंकॉक में खेले गए एशिया कप फाइनल में हासिल की। भारत ने मैच 17 रन से जीतकर लगातार 6ठी बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। झूलन ने पाकिस्तान की सलामी बल्लेबाज आयशा जफर को बोल्ड करके क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में 50 विकेट पूरे किए। झूलन ने यह रिकॉर्ड 60 मैचों में खेलकर अपने नाम किया है। वहीं टी20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाजों में एकता बिष्ट का नाम दूसरे नंबर पर है। उनके नाम 36 मैचों में 45 विकेट दर्ज है। इंडिया महिला टीम की पुरुष टीम से तुलना करें तो झूलन से ज्यादा सिर्फ अश्विन के नाम ही टी20 विकेट है। अश्विन ने 45 मैचों में 52 विकेट लिए हैं, जबकि झूलन के नाम अब 50 विकेट दर्ज हो गए हैं। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 क्रिकेट की तो सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज की ऑफ स्पिनर अनीशा मोहम्मद के नाम पर है, जिन्होंने 89 मैचों में 104 विकेट लिए हैं। झूलन गोस्वामी महिला क्रिकेट जगत की कपिल देव मानी जाती हैं और अपनी शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी से भारतीय टीम को कई बार जीत दिलाई है। देखते रहिए डीवी लाइव।